हे गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं मनीष सिंह, गाइस आप लोग देख रहे हो सिंह फिटनेस रहा। तो आज मैं फिटनेस इंडस्ट्री से बहुत सारा अपडेट लेकर आया, तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे गाइस। उससे पहले मैं बताऊं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा। अभी आपको जेन्युइन सप्लीमेंट चाहिए तो एथलीट फोन न्यूट्रिशन, जो कि इंडिया का वन ऑफ द टॉप वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड इन इंडिया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर चेकआउट कर लेना और वहां से जाकर आप लोग परचेज कर लेना। बाय द वे, आज का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट है वो आई एफ बी बी प्रो वरदान मल्होत्रा की तरफ से गाइस। रिसेंटली देख सकते हो वरदान मल्होत्रा का ये करंट कंडीशन है। एंड गाइस, कंडीशन की थोड़ा बात कर लेते हैं। वरदान मल्होत्रा का देखो फिजिक कंप्लीट पैकेज है, मतलब कि आप लोग देख सकते हो कि फ्रंट की बात करें या बैक की बात करें, ओवरऑल फिजिक इनका जो है बहुत बढ़िया है। और उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि फाइनल अपडेट, लेट्स मोर डीप लिविंग, आई नो देयर आई कैन फाइंड सम क्रिस्पी। मतलब कंडीशन अभी तो बिल्कुल थोड़ा बॉडी फ्लैट भी लग रहा, कंडीशन अभी अच्छे तरीके से हिट कर देंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देंगे वरदान मल्होत्रा। बाय द वे, आप लोग कमेंट करके बताने के बाद कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो हिमांशु शर्मा की तरफ से। रिसेंटली देख सकते हो हिमांशु शर्मा ने अपना एक अपडेट शेयर करा है। गाइस देख सकते हो ये इनका करंट कंडीशन है। कंडीशन की बात करूंगा ना तो रिसेंटली मतलब लास्ट ईयर से कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा हिमांशु शर्मा का। एंड इन्होंने अपने फ्रेम में कुछ अच्छा गुड क्वालिटी मसल मास पुट ऑन करा है, जिसकी वजह से साइज देख सकते हो। लेकिन ओवरऑल फिजिक का जो कंडीशन है ना वो तो ऑन स्टेज पता चलेगा। इस भाई जाबे, आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार कुछ हो सकता है? मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने 65 kg टू 84 kg का वैसे कैप्शन में लिखा था, तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा, तो फिजिक भी बढ़िया लग रहा। तो आप लोग कमेंट करके बताना गाइज कि इनका फिजिक आप लोगों को कैसा लगा। आपको क्या लगता है कि शेरू में ये कम्पीट करेंगे तो क्या इनका कुछ प्लेसिंग हो सकता है, या फिर नहीं? वाट एवर जो भी सोचते हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मैं बताऊँ तो लेग्स पे भी इन्होंने बहुत अच्छा वर्क करा, लेग्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट इनके दिख रहे हैं, तो आप लोग बताना एक बार कमेंट करके। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो एक फैजल खान भाई हैं, अच्छे एथलीट्स हैं, तो उन्होंने कुछ बोला है, कुछ शेयर करा है। वो भी शेरू क्लास में कम्पीट उन्होंने भी कर चुका है। एंड गाइस, इनका थोड़ा वीडियो देख लो। एंड गाइस, आपको क्या इनकी बात से आप लोग सहमत हो या फिर नहीं, वॉट एवर जो भी सोचते हो कॉमेंट करके जरूर बताना। वीडियो बनाने का रीजन सिर्फ एक ये है, क्योंकि आप सबको पता है पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही चीज चल रहा है, जब भी ज्यादा इंस्टाग्राम या यूट्यूब ओपन करो तो एक दूसरे का टांग खींचना यूट्यूबरों का। और अगर दो बंदों की या तीन बंदों की लड़ाई हो रही है भाई, तो एक थर्ड पर्सन कौन है जो जा करके वहां पे सफाई दे रहा है? भाई, अगर तुझे इतनी सफाई देनी है ना तो तू दिल्ली में हर हर एथलीटों के साथ क्यों नहीं आवाज उठाता है? ठीक है ना, इधर उधर क्यों भग रहा है? ठीक है भाई, मुझे पता है तेरे बारे में। ठीक है, तू मेरे साथ अप्रोक्स 2019 से था, ठीक है, 19-20 से था मेरे साथ, और 21-22 के एंड में मैं तुझे उससे दूर हो गया मैं, ठीक है, क्योंकि तेरी हरकतों से। तो भाई, बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग को बॉडी बिल्डिंग ही रहने दे। ठीक है, एक दूसरे का टांग मत खेच भाई, क्योंकि एक दूसरे का टांग खेचेगा तो तुम्हारा तो वही रहेगा कॉन्ट्रोवर्सी में। आप अपने व्यूज बढ़ाओगे, अपने चैनल को एक हाइप दोगे, लेकिन भाई दूसरे बंदे जो एथलीट है ना, कोई नहीं करवाएगा गेम। अभी तुझे शायद पता नहीं होगा भाई, गेम जो है ना दिल्ली के अंदर होता था बिग फिट, फर्स्ट गेम हुआ, सेकंड सीजन हुआ, थर्ड सीजन अब नहीं होगा। ठीक है, तो एथलीट बड़ा स्टेज, अब इसके अलावा शेरू के अलावा बड़ा स्टेज कौन सा है बताओ मुझे? शेरू के अलावा एक ही बड़ा स्टेज था जो था बिग फिट, अब बिग फिट भी खत्म कर दिया। ठीक है, अब बिग फिट नहीं होगा, शेरू क्लास होगा। हर एथलीट का ना एक एम होता है कि मैं बड़ा चैंपियनशिप खेलूं। ठीक है, तो बड़ा चैंपियनशिप आउट ऑफ इंडिया तो हर कोई, हर किसी का बजट नहीं होता है। ठीक है, तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है आई एफ बी बी प्रो पंकज रिजवानी की तरफ से। गाइस, रिसेंटली जैसे तो पंकज रिजवानी ने एक अपडेट शेयर करा, मतलब दिन बाय दिन प्रतिदिन ना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लग रहा है। गाइस, आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा, मतलब फिजिक इनका जो बिल्कुल शेप में आ चुका है। एंड गाइस, इस बार इन्होंने अपने चेस्ट पे भी बहुत अच्छा वर्क करा, जिसकी वजह से चेस्ट देख सकते हो बहुत ज्यादा फुलर और खासकर लोअर चेस्ट इनका बहुत बढ़िया लग रहा। खाली हम लोग इनको देख बैक में कितना इंप्रूवमेंट करेंगे, इस पर फोकस करेंगे, अपने फ्रेम में कुछ अच्छा गुड क्वालिटी मसल मास पुट ऑन करेंगे तो पंकज बहुत अच्छा कर सकते हैं। गाइस, वैसे मैं बता दूं कि ये इस साल के लास्ट में कम्पीट करने वाले हैं बाहर के किसी शो में, वो अभी इन्होंने वैसे अनाउंस नहीं करा। वैसे मैं बता दूं शेरू क्लासिक में ये कम्पीट नहीं करेंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि एक बार इनका फिजिक आप लोगों को कैसा लगा। एंड गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि पंकज ओलंपिया के स्टेज पे कौन से ईयर में दिखने वाले हैं, 2024, 2025, मतलब वट एवर जो भी सोचते हो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है डेरेंस लैंगफोर्ड की तरफ से। गाइस, और रियली बताऊं उन्होंने अपना बैक का एक अपडेट डाला है। गाइस, आप लोग देख सकते हो बैक, मतलब मैं कह रहा हूँ बिग रैमी हो या फिर हार्डी चुपन हो,
इनसे बड़ा इनका बैक, मतलब इनसे बढ़कर ना कोई भी किसी का भी बैक नहीं होगा गाइस। इंप्रूवमेंट इन्होंने बैक में इतना करा, लोअर लेट्स देख सकते हो बिल्कुल कमर के बोलते हैं वेस्ट के पास बिल्कुल आ चुका है, थिकनेस देख सकते हो कितना ज्यादा, और मतलब बहुत ज्यादा मसल मॉन्स्टर। मतलब इनका फ्रंट लुक देखने के लिए हम लोग हुए हैं कि फ्रंट लुक एक बार इनका चेकआउट करें, बहुत बड़ा लग रहा है गाइस फिजिक बहुत। तो आप लोग क्या लगता है कि ओलंपिया का टाइटल फिर से जीत पाएंगे या फिर नहीं, वाट एवर जो भी सोचते हो गाइस आप लोग कमेंट में बताना। वैसे मैं बताऊं तो इस बार के ओलंपिया में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस बार राइवलरी बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आपने देखा अर्नोल्ड में कौन जीता, एंड फिर से सैमसन डोडा भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बैक टू बैक, डेरेंस लैंगफोर्ड होंगे, बिग रैमी का कम बैक होगा, हार्डी चुपन होंगे। तो वैसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इनका फिजिक कैसा लगा, क्या लगता है ओलंपिया फिर से अपना टाइटल ये क्लाइम कर पाएंगे या फिर नहीं, वॉट एवर जो भी सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो रोहित खत्री की तरफ से, उन्होंने कुछ टिप्स शेयर करा आप सभी लोग के लिए, तक वीडियो को देखना है। रोहित खत्री के बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। ये कैसे पॉसिबल है, एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो आप लोगों को अपने ट्राइसेप्स या बाइसेप्स रूटीन के लास्ट में करनी है। आपको क्या करना है, आपको एक पेयर लेने डंबल के जो कि हल्के होने चाहिए, और हम देखो जब डंबल कर्ल करते हैं बाइसेप्स के लिए तो हम डंबल को ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, डंबल को इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। आपने पकड़ लिए, पूरा नीचे लेके गए, पूरा ऊपर, पूरा नीचे लेके गए, पूरा ऊपर। जब आपसे ये मूवमेंट लगना बंद हो जाए आपको क्या करना है, हाथों को सीधा कर देना है जिस तरीके से हम डंबल कर्ल करते हैं, और ऐसे करा पूरा, एंड पूरा स्क्वीज, ऐसे करा पूरा पूरा स्क्वीज। आपको जो अपना हाथ है वो थोड़ा सा खोलना है और पूरा ऊपर लाके इसको मुट्ठी को स्क्वीज कर देना है, जिससे कि आपके जो फोर आर्म्स है वो बहुत ज़्यादा तगड़े पंप हो जाएंगे और इनकी ग्रोथ भी अच्छे से हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज को जरूर ऐड करें अपने तगड़े। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है गुरुजी मुकेश गहलोत की तरफ से, रिसेंटली उन्होंने कुछ टिप्स शेयर करा आप लोग के लिए, बहुत अच्छा टिप्स। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखना है गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना गुरुजी के बारे में आप लोग क्या सोचते हो। सकते हैं आप नॉर्मल ग्रिप और ये वाइड ग्रिप, बेंच प्रेस में तीनों में से कौन सी ग्रिप स्टांस आपके लिए बेस्ट है, ये देखो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। तो नैरो ग्रिप है वो आपके ट्राइसेप पे ज्यादा लोड डालेगी लेकिन पीक कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा देगी आपको, हल्का सा आपके रिस्ट पे भी अनवांटेड लोड डालती है, तो ये बहुत प्रेफरेबल नहीं है। ट्राइसेप के लिए आप यूज कर सकते हैं एक ब्लॉक लेके। जो वाइड ग्रिप है ये पावर ट्रेनिंग के लिए बेस्ट है, जब आपको पावर लिफ्टिंग करनी है या हैवी सेट्स लेने हैं अपने, उस टाइम के लिए ये ठीक है, क्योंकि इसमें आपका रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, आपको कम दूरी तक बार को उठाना पड़ेगा क्योंकि आपके वाइड ग्रिप की वजह से ये डिस्टेंस कम होगी। और जो मीडियम ग्रिप है ये आइडियल है बॉडी बिल्डिंग के लिए, आप देखेंगे तो जब बार आपकी चेस्ट पे टच करते हैं तो आपको एंगल जो है एल्बो का वो 90 डिग्री है, तो ये इतनी स्टांस के साथ जो आपकी ग्रिप है ये बेस्ट है आपकी ओवरऑल चेस्ट के डेवलपमेंट के लिए। इसमें आपको पीक कॉन्ट्रेक्शन भी अच्छा मिलेगा, आपको ओवरऑल चेस्ट पे भी इसका इफेक्ट आएगा। नैरो ग्रिप में थोड़ा सा अंदर झुकी है आपको एल्बो, 90 डिग्री से कम है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसी प्रकार आपको फिटनेस इंडस्ट्री का सारा अपडेट सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल सिंह फिटनेस पे मिलता रहेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।